अवर टुडेज टॉपिक इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ जो है ये कंप्लीटली रिलेटेड है प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर का यूनिट है वो भी पास्कल ही होता है, क्योंकि पास्कल ने हमें बताया था। वैसे हमने क्या किया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। डिफरेंट यूनिट्स हैं प्रेशर के, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि हमें उसी यूनिट में आंसर निकाल के दो, दिया कुछ और यूनिट होता है क्वेश्चन में, आंसर में कुछ और होता है। जब वो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको वो सारे यूनिट्स करवा दूंगी, वो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ओके, अभी मेन फोकस करते हैं हम पास्कल्स लॉ पे। ये हमें बताता है प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में क्या बताता है कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर किस तरह से ट्रांसमिट होता है। ऐसे जाता है कि उल्टी डायरेक्शन में जाता है, किस तरफ जाता है प्रेशर, इस बारे में पढ़ेंगे हम। तो उसने क्या है, कुछ नंबर ऑफ वेज में, नंबर ऑफ स्टेप्स में इस चीज को बताया था पास्कल ने। क्या बताया था, सबसे पहले उसने बताया जो प्रेशर है, प्रेशर एग्जर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज लिक्विड। कोई भी लिक्विड है वो कंप्लीटली इनक्लोज, जो ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सभी डायरेक्शन में हो जाता है। तो मेरे पास ये लिक्विड है, एक कंटेनर है, ठीक है, वो इनक्लोज है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो सभी डायरेक्शन में जाएगा प्रेशर, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, कॉर्नर्स में भी जाएगा, चारों दिशाओं को छोड़ो आठों दिशाओं में जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो पास्कल फ्लो हमें बताता है। सेकेंड बात को वो क्या बताता है कि अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड, टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि वो फ्लूइड जिसको हम किसी भी हालत में कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ फ्लूइड से चलो मान लो उसको किसी ना किसी तरीके कंप्रेस कर लिया, ये एक तरह से आइडियल फ्लूइड हो गया। इसके अंदर जो प्रेशर चेंज आ रहा है, इस ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट होगा, इस ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी प्रेसिबल फ्लूइड। प्रेसिबल फ्लूइड मीन्स वो फ्लूइड जिसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो नीचे दबना शुरू होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है थोड़े से एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टू प्रेसिबल ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, कि वो मतलब रुको, प्रेसिबल नहीं कहेंगे इसको। मान लो मेरे पास, इसको मैं इस तरह से दिखाती हूँ कि लिखती हूँ, मेरे पास क्या है, यहाँ पर इस जार में फ्लूइड है, इस कंटेनर में फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है। मान लो इसके अंदर प्रेशर में चेंज आ गया थ्रू द वॉल्स, किसी भी तरीके से प्रेशर में चेंज आ गया, कोई भी कारण हो सकता है, थ्रू द वॉल्स हो सकता है, या मैंने इसको हिला दिया थोड़ा सा, फोर्स अप्लाई कर दी यहाँ पे, तो इस कारण क्या ये थोड़ा सा हिल गया, अब इक्विलिब्रियम पोजिशन में नहीं है, अंदर थोड़े से उसमें मूवमेंट आ गई। तो उस चक्कर में ऑब्वियसली जब ये इनक्लोज्ड है, ऊपर से बंद है, जैसे कि हमारे पास पानी की बॉटल होती है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको जब हम हिला देते हैं, या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उसमें जो प्रेशर है वो वॉल्स पे आएगा, इस तरह से हर एक पॉइंट पे वॉल्स पे आएगा। ठीक है, वैसे क्या होता है, जो भी हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे वो इनकम्प्रेसिबल ही होंगे, लेकिन कुछ रेयर केसेस होते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो हम ये कहेंगे टू एवरी पॉइंट ऑफ द वॉल्स
ऑफ दी कंटेनिंग वेसल, ऑफ द कंटेनिंग वेसल एंड फ्लूड के ऊपर भी तो पड़ता ही है प्रेशर, फ्लूड के ऊपर भी पड़ता है इस तरह से कि बीच में थोड़ी खाली रह जाएगा, बीच में भी इधर फ्लूड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर असर पड़ रहा है, तो इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द प्रेशर इन अ फ्लूड, द प्रेशर इन अ फ्लूड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। अगर मैं ग्रेविटी को निग्लिजिबल मानूं कि ग्रेविटी तो कोई चीज है ही नहीं, तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा सभी पॉइंट्स पे होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी है तो हमने इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक किया था ना पिछला, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो उसमें हमने क्या किया था, एक टेंजेंशियल हमारे पास आया था जो कि हमारे पास उसका एंगल आ गया था 90 डिग्री, तो हमने क्या किया था उस टेंजेंशियल को, हमने कह दिया था कि वो जो टेंजेंशियल 90 पे एक्ट करे, यानी कि ज्यादा प्रेशर बॉटम पे हो रहा है, जो कि चीज हमें ओशन में देखने को मिलती है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर करूं तो ये चीज सब जगह पे पॉसिबल है, रेस्ट पे है, चाहे वो इनक्लोज है नहीं है, मान लो इनक्लोज नहीं है, ये लो इट सरफेस है फ्लूइड का, ये वॉल्स है कंटेनर की, सब जगह पे सेम अमाउंट पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है जब वो रेस्ट पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, अगर ग्रेविटी इग्नोर कर रहे हैं, ग्रेविटी तो अलग ही रहे हैं, ये तो हमारी क्या है, एजम्पशन है, थर्ड वाला तो कम्प्लीटली एजम्पशन है। ग्रेविटी है उसी कारण के ओशंस में नीचे गहराई में जाते प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और वहां पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये है पास्कल लॉ, ये थी पास्कल लॉ की स्टेटमेंट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते स्टेटमेंट स्टेट पास्कल लॉ, तो ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं और कुछ नहीं करना। अगर आप चाहो तो साथ में एक छोटी छोटी, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, उसको भी साथ में लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज अप टू यू। वरना अगर आप ये 3 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट तो समझ में आ गई, पहली क्या कहती है स्टेटमेंट, कि प्रेशर जब एग्जर्ट किया जाता है किसी भी पॉइंट पे, जब वो जो फ्लूइड है इनक्लोज है कंप्लीटली बंद है, तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो हर जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होगा, हर जगह पे फैलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज तो होती है, वो उसकी शेप भी तो लेता है कंटेनर की जिस फ्लूइड में उसको डालते हैं। दूसरा क्या कहता था, कि जब उसमें प्रेशर में चेंज लाया जाएगा तो जो प्रेशर है फ्लूइड का वो ट्रांसमिट हो जाएगा सभी जगह पर, जिस कंटेनर में लगाया हुआ है प्रेशर उसके सभी वॉल्स पे वो के प्रॉपर करेगा, प्रेशर अप्लाई कर देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहा था, कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है और अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दे तो प्रेशर सभी जगह पे एक जैसा लगता है, वरना अगर ग्रेविटी है हमें पता है हम इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक किया था, सिर्फ नीचे नीचे लगेगा ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम करते हैं प्रूफ, प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। प्रूफ में क्या करेंगे, सबूत देखेंगे भाई, हाँ भी ये चीज होती है। इसको पास्कल ने दो प्रिंसिपल्स के साथ प्रूव किया था, पहला था फोर्स ऑन एनी लेयर, फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर। ये लेयर्स अब कहाँ से आ गई, भाई पानी है फ्लूइड है उसके अंदर मॉलिक्यूल सब जगह एक जैसे होंगी, इसमें हम लेयर्स काउंट करेंगे, लेयर्स देखेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल यूज किया। दूसरा उसने प्रिंसिपल यूज किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कैसे पास्कल का लॉ है वो प्रूव किया जा रहा है वो देखिए, मेरे पास मैं एक फिगर बना रही हूँ यहाँ पर, मैंने एक कंटेनर लिया इस तरह से, ठीक है, ये वाली साइड थोड़ी बड़ी होगी, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया और मैंने ना उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना है,
किसका लेना है? मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर फिल्ड है विद सम फ्लूइड, कोई भी लिक्विड या फ्लूइड से फिल्ड है। उसके अंदर मेरे पास क्या है, एक प्रिज्म पड़ा है। प्रिज्म आपने क्लास 10 में देखा होगा, लेबोरेटरी में गए होंगे, ये आपने पिक्चर्स देखे थे प्रिज्म की, है ना, उसके 2D 3D पिक्चर्स आपने देखी होंगी। तो मेरे पास ये प्रिज्म है, राइट एंगल्ड फॉर्म में प्रिज्म क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। स्लैब वाला भी होता है, एक स्लैब होती है वो अलग चीज होती है, ठीक है। जो चीज हम प्रिज्म की प्रिज्म से देखनी होती है वो हम स्केल से भी, जो हमारे पास रेगुलर स्केल होता है ग्लास का, उससे भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली ट्राइंगुलर प्रिज्म ही लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस उसका 2D फेस या 3D फेस दिखाने की कोशिश कर रही है। अब थोड़ी सी इसको लेबलिंग करते हैं। ये है ए, ये आ जाएगा बी, सी, यहाँ पर फिर डी आ जाएगा, ये आ जाएगा ई पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा एफ। अब इसमें हमारे पास राइट एंगल में पता है, ये तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा, बट ये तो हमारा कोई ना कोई एंगल होगा, ये है मेरा एंगल थीटा, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैंने छोटा सा एलिमेंट लेना है, कौन सा लिया, ए बी सी, या तो फर्स्ट वाला फेस ले लिया या पीछे वाला फेस ले लिया, डी ई एफ, ठीक है, सिर्फ फेस लेने, ठीक है। ये जो फेस है इनके अंदर क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड है इन फेसेस के अंदर, यानी कि प्रिज्म जो है अंदर से सारा का सारा ग्लास का नहीं बना, इसको खोल के मैंने अंदर के फ्लूइड भर दिया है, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर फ्लूइड भर दिया, जो ये जो एलिमेंट है, जो ए बी सी और जो डी ई एफ, ये जो फेस है, ये जो एलिमेंट्स है, ये इतने स्मॉल हैं कि जो इसके सारे के सारे अदर पार्ट्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो सेम डेप्थ है, सेम डेप्थ पे है ऑफ द लिक्विड सर्फेस, इनके नीचे है, काफी नीचे आ चुके हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इस कारण इसके ऊपर भी ग्रेविटी लगेगी, जो इफेक्ट होगा ग्रेविटी का, जैसे यहाँ पर बॉटम पे लग रहा है वैसे ही इसके ऊपर लग रहा है ये चीज, ठीक है। अब मानते हैं जो फ्लूइड है वो कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो प्रेशर के एग्जर्ट कर रहा है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, एक तो नीचे की तरफ हम कह सकते हैं पी ए, इस तरफ जो है इस फेस के ऊपर करेगा एफ, सॉरी पी बी, और जो ये वाला फेस है राइट एंगल वाला जो हमारे पास एक तरफ परपेंडिकुलर बन रहा है, वहां पर सी कह के हम प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है। अलग अलग फेसेस पे होगा, जैसे कि हमारे पास पी ए आ जाएगा बी ई एफ सी पे, बी ई एफ सी, इसको थोड़े से और अच्छे करते, थोड़ा इजी हो जाएगा, बी ई एफ सी। इस फेस पे मेरे पास प्रेशर लग रहा है पी ए, फिर आते हैं ए डी एफ सी, ए डी एफ और सी, ठीक है। ए डी एफ सी पे मेरे पास प्रेशर लग रहा है पी बी, पी सब अभी आएगा ये, और तीसरा हम प्रेशर किसी और पेन से बनाते हैं, ये है ए डी ई बी, ये बी ई डी, ये कैसे भी आप ले सकते हो, ए डी बी ई, इस पे लग रहा है प्रेशर पी से, मतलब हमने नाम दे दिए इनको ए बी ओ सी के। अब देखो प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ जो ये पी ए लग रहा है, दैट इज एफ ए अपॉन जो एरिया है उसको क्या नाम दें, ए ए। तो मेरे पास ए ए एरिया पे एफ ए प्रेशर लग, सॉरी फोर्स लग रही है, ठीक है। और इसके ऊपर लग रहा है एफ बी ओवर ए बी, इसके ऊपर लगेगा एफ सी ओवर ए सी एरिया पे, मतलब कि जो हमने फेसेस को प्रेशर दिए थे उन फेसेस के एरिया को नाम दे दिया ए ए ए बी और ए सी, और उनके ऊपर जो फोर्स लग रही थी उनका प्रेशर के रिस्पेक्टिवली नाम आ जाएगा एफ ए एफ सी एंड एफ सी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए हमारे पास एक एंगल भी मैंने बनाया था ट्राइंगल ए बी सी में, वो एंगल क्या था, ये रहा थीटा। एंगल हमारे पास आएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू थीटा। ये प्रिज्म है मेरे पास,
के अंदर भी फ्लूइड है, बाहर भी फ्लूइड है, और ये सारा का सारा जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। अब तो न्यूटन का लॉ लगाते हैं, न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड फोर्स होगी अंदर की और बाहर की, जो फ्लूइड फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेगी हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में जब वो बैलेंस करने की कोशिश करेगी तो ये रहा मेरे पास एंगल थीटा। एंगल थीटा के अकॉर्डिंग मेरे पास लगेगी फोर्स, है ना। एक तो बन रहा है ये यहाँ पर, इधर इस डायरेक्शन में मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास लग रही है फोर्स एफ बी, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पर बी के अराउंड, ठीक है। मान लो यहाँ पर है मेरे पास एफ बी, और नीचे इधर बन जाएगा मेरे पास जो एलिमेंट बन रहा है वो बनेगा एफ बी कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा, और यहाँ पर जो एलिमेंट बनेगा इस डायरेक्शन में इस तरह से वो बन जाएगा एफ बी साइन थीटा। बेसिकली मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। पहले तो इस एंगल को देखो, एंगल को देख रहे हैं हमारे पास उसके साथ लगता कौन सा फेस था, साथ वाला कौन सा फेस था, डी ए सी एफ। साथ वाला फेस जो था वो कौन हमें दे रहा था, एफ बी, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला एफ बी बन रहा है, एफ बी फोर्स बन रही है। अब यहाँ पर जब मेरे पास यहाँ पे एफ बी फोर्स आ गई तो उसके मैं एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करती हूँ, कंपोनेंट्स निकाल दी। यहाँ पर बन जाएगा ऑब्वियसली एफ बी कॉस थीटा, और ऊपर बन जाएगा एफ बी साइन थीटा। यहाँ पर क्लियर, ये जो एफ बी साइन थीटा आया है मेरे पास सीधा आया है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस तरफ मेरे पास सामने इसके बिल्कुल पैरेलल क्या है, एफ सी। फोर्स के टर्म्स में एफ सी है, अगर प्रेशर के टर्म्स में कहें तो पी सी है ना। ए सी तो पूरा एरिया आ गया, तो मेरे पास एफ सी आ गया बिल्कुल पैरेलल। आगे मेरे पास है एफ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा के सामने क्या पड़ा है, कॉस थीटा के ऊपर ही मेरे पास ए वाला पार्ट आ गया ना, पी ए वाला, ये वाला फेस आ गया, ठीक है। तो ये वाला इधर मेरे पास फोर्स पड़ रही है ए फेस की, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब हम ज्योमेट्री के कुछ लॉस लगाएंगे। ज्योमेट्री के कुछ लॉस के अकॉर्डिंग जब मेरे पास एफ बी साइन थीटा एफ सी के इक्वल है, तो मेरे पास ए बी साइन थीटा, अगर मैं एरिया की कॉम्पोनेंट्स निकालूंगी, अगर निकाले जाए तो वो क्या आएंगे, ए बी का आ जाएगा ए सी, और ए बी साइन थीटा क्या आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा तो हो गया ऊपर, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, सेम मेरे पास ए ए आ जाएगा। ये चीज मतलब जैसे हमारे पास, हमें सिर्फ फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने की कोशिश करनी है, वही मेन समझने कैसे निकले हैं, एरिया के तो साथ में ही आ जाएंगे। फोर्स के कैसे कंपोनेंट्स निकले हैं, देखो यहाँ पर एंगल थीटा इसके अलोंग बनते हैं हमारे, है ना। तो इसके अलोंग मेरा यहाँ पर एफ बी था, एफ बी के कॉम्पोनेंट्स निकाले, यहाँ पर एफ बी कॉस थीटा, यहाँ पर एफ बी साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर इसके पैरेलल पड़ा है मेरे पास एफ सी, और एफ ए के ऊपर ही मैंने एफ बी कॉस थीटा बनाया था, तो यहाँ पर मेरे दोनों वैल्यूज आ गई। जब ये दोनों वैल्यूज आई उनके सामने ही हमारे पास एरिया की वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वेशंस क्या कहती हैं ये, इसको कह दो नंबर वन, इसको कह दो नंबर टू, इसको कह दो नंबर थ्री, इसको कह दो नंबर फोर, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, पहले साइन थीटा वाली करते हैं, साइन थीटा मतलब कि वन और थ्री को, वन और थ्री को जब डिवाइड किया मेरे पास आएगा एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा, किसकी इक्वल आई, एफ सी अपॉन ए सी। चलो दोनों कैंसिल, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा एफ बी अपॉन ए बी जो है एफ सी अपॉन ए सी की इक्वल आ रही। एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो प्रेशर है बी के बी वाले फेस पे वो इक्वल आ रहा है प्रेशर ए वाले फेस का, ठीक है। अब टू और फोर को डिवाइड करते हैं, टू और फोर को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा, ये किसके इक्वल था, एफ ए के, ये किसके इक्वल है, ए ए के, कॉस और कॉस कैंसिल। अब क्या कह देंगे, एफ बी ए बी इक्वल्स टू एफ ए,
ए, ये किसके इक्वल था? बी का प्रेशर और ए वाले फेस का प्रेशर, ये रहा। इसको दे दो नंबर 5, इसको दे दो नंबर 6 का नाम। ठीक है, जब हमारे पास ये चीज आ गई, अब हम क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं जो मेरे पास पहले आया पी बी पी ए के इक्वल, फिर आया अगेन यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी ए है। देखिए यहाँ पर अब थोड़ी सी चीजें नहीं, यहाँ पर सी है, सी आना था, सॉरी सॉरी। पी बी पी ए के इक्वल, फिर मेरे पास आया पी बी पी सी के इक्वल, बी ए के भी इक्वल है, सी के भी इक्वल। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ तीनों को कंबाइन करके कि जो तीनों का प्रेशर है वो इक्वल है, तीनों फेसेस का प्रेशर प्रिज्म का इक्वल आ रहा है। तो प्रेशर जो है सभी डायरेक्शंस में सेम आ रहा है, इक्वल मतलब सेम ही आ रहा है। इस डायरेक्शन में भी जितना था, जितना इसमें था, जितना इसमें था, तीनों का इक्वल आ गया, सेम आ गया। तब जब फ्लूइड होगा रेस्ट पे, ये हिल रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाइए, कुछ हमने किया है ऐसा? नहीं, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जो निकाली है, ये सारी इंटरनल फोर्सेस है, सारी इंटरनल फोर्सेस है। तो ये हमें प्रूव कर रहा है कि जो पास्कल्स रहा है वो ट्रांसमिट करता है फ्लूइड प्रेशर को सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर है। ये चीज भी प्रूव करता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तब भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो, इस चीज को उठा सकते हो, क्योंकि जब सभी डायरेक्शंस में मेरे पास इक्वल आ गया तो वो सभी डायरेक्शंस में तो लागू हो रहा है। दैट मीन्स उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सभी डायरेक्शन में तो वो स्केलर ही हुआ ना, वेक्टर कहाँ से होगा? वेक्टर तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, सो प्रेशर के लिए हम कोई डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं, सब जगह वो एक जैसे। ये हो गया प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। अब एक है हमारे पास टॉपिक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ये हमें क्या बताता है? देखो, इसके लिए हम एक फिगर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम एक वेसल लेंगे और उसके तीन ओपनिंग होंगे। मेरे पास ये वेसल है, ठीक है, और यहाँ पर इसके तीन ओपनिंग हम बना रहे हैं, यानी कि तीन तरीके से, ये तीन जगह से ये खुल रहा है। ठीक है, अब ये इसके तीन ओपनिंग्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको सी और इसको बी, ए बी सी, तीन एरियाज आ गए मेरे पास। ये वाला थोड़ा बड़ा बनाए इससे और इससे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। अब ये जो तीनों ओपनिंग्स हैं, इनको एक तीनों को पिस्टन प्रोवाइड किए हैं हमने, जो पिस्टन प्रोवाइड किए हैं वो है फ्रिक्शन लेस, तीनों के ऊपर पिस्टन लगा दिए। अब पिस्टन कैसा है? फ्रिक्शन लेस एंड वाटर टाइट। उनका एरिया भी देखो। अब देखो यहाँ पर इसका एरिया है ए, जो इसका एरिया है वो है 2A, जो इसका एरिया है वो है A/2। इसका तो ए है, जो ए हमारे पास ए वाला वेसल था उसका एरिया है ए, बी वेसल का एरिया है 2A, सी वेसल का एरिया है A/2। ठीक है, अब इस वेसल को मैंने पानी से भर दिया और ऊपर से मैंने एडिशनल फोर्स भी लगा दी। एडिशनल फोर्स लगाई है हर एक जगह पे, तीनों वेसल्स पे, तीनों पोजीशंस पे। ठीक है, एक तो लगाई है मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई है F, जितना इसका एरिया उतनी मैंने फोर्स लगाई है, उससे ज्यादा नहीं लगाई। अब जैसे इसका एरिया 2A था, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई 2F, इसका एरिया A/2 था, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई F/2। एरिया के अकॉर्डिंग मैंने फोर्स भी लगा दी। जब मैंने फोर्स लगाई और मैंने सभी, और इसके ऊपर प्रेशर जब ट्रांसमिट हुआ सभी डायरेक्शंस में, तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, इसके अंदर जब फ्लूइड भरा फोर्स लगाने के बाद भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया प्रेशर
प्रेशर का फॉर्मूला होता है F4A, ये वेसल के लिए तो प्रूव हो गया। बी वेसल के लिए देखते हैं, बी वेसल के लिए आया प्रेशर 2F/2A, 2 और 2 कैंसिल, क्या आ गया F/A। सी वेसल के लिए क्या हुआ, प्रेशर इज इक्वल्स टू F/2/A/2, वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन क्या आएगा प्रेशर F/A। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है पास्कल्स लॉ की। देखो सीधी सी बात है, जितना एरिया था उतना प्रेशर लगा दिया, सॉरी फोर्स लगा दी, तो इसका भी तो वही बनेगा, अंदर जो प्रेशर बना उतना ही इसका बनेगा और उतना ही इसका बना, ठीक है। जब दोनों का आ गया, मेरे पास यहाँ पे 2P था, यहाँ पर P/2 था, एक तरह से ऐसे मान लो, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे जब साथ में आएंगे, इसका तो भी P था, इसका तो था ही P, तो तीनों का P P रह गया ना बीच में अंदर में, ये 2F/2A कर लो, यहाँ पर F/2/A/2 कर लो अंदर, और इसका अंदर F/A कर लो। जब ये दोनों साथ में है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ग्रेविटी भी तो नीचे जा रही है, उसके लिए कंबाइन भी तो होंगे, जब ये कंबाइन होंगे तो सारी चीजें कैंसिल होके वही P और P और P रह जाएगा, तीनों डायरेक्शन में, तीनों जगह पे, तो सब जगह पे P ही ट्रांसमिट होगा और कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, क्लियर। तो ये पास्कल लॉ है जिसका आपको प्रूफ आ सकता है, बट मेन आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं एप्लीकेशंस पे, ठीक है, किस पे आते हैं क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस इसकी बहुत सारी हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक होगी, और भी कई एप्लीकेशन है जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। अभी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में देख लेते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक का बाद में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी क्या करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये क्या है, एक एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। हाइड्रोलिक लिफ्ट होती क्या है, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से हम उठा सकते हैं, और ये एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब जो चीज सॉलिड नहीं कर सकती ना, वो लिफ्ट के अंदर पड़ा हुआ फ्लूइड क्या है कर सकते, और वो डबल कर देती है हर एक चीज को। बनती कैसे, दो सिलेंडर से इस तरह से होते हैं, वो दो सिलेंडर आपस में इस तरह से कंबाइंड होते हैं यू शेप में, काइंड ऑफ इस तरह के यू शेप में होते हैं, जो ये वाला इधर वाला थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, इसको अच्छे से बना देती हूँ, राइट वाला थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। होता क्या है, इसमें दो सिलेंडर है मेरे पास, ये है C1 ये है C2, अंदर मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, दोनों ही इस पाइप से, ये एक पाइप है इससे ज्वाइंट है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट लगा होता है, जो रियल वाली होती है ना यहाँ पे ज्वाइंट लगा होता है, दोनों सिलेंडर इस पाइप से जुड़े होते हैं। अब दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, याद रखो इसमें सिर्फ फ्रिक्शनलेस नहीं कहना पिस्टन को, इसको हमेशा वाटर टाइट कहना है, वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। दोनों का डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका कम है इसका ज्यादा है। अब देखिए जो सिलेंडर्स है और जो पाइप है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, सब जगह पे लिक्विड है सब जगह पे। अब जो सिलेंडर्स और पाइप, जब इनके ऊपर लिक्विड भर दिया, मैंने क्या किया इसके ऊपर, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की, ठीक है, इसको कह दिया F1, फोर्स अप्लाई की, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की ना विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विड, इसके ऊपर जो पड़ा हुआ लोड है वो भी ऊपर उठ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, वो भी ऊपर जाएगा क्योंकि ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये F2, इसके ऊपर फोर्स लग जाएगी, ठीक है। जो C1 के ऊपर यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, मेरे पास लग रहा है F1/A, A1 कह देते हैं, ठीक है, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, इसको भी P1 का नाम दे देते हैं। चलो एक बार पास्कल लॉ क्या कहता है कि सेम प्रेशर अप्लाई होता है, ट्रांसमिट होता है, चाहे वो लार्जर पिस्टन क्यों ना हो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो जो लार्जर पिस्टन के ऊपर ये जो F2 फोर्स आएगी, ये क्या आएगी, प्रेशर जो अप्लाई हुआ सेम प्रेशर अप्लाई हुआ है,
तो मैं कह दूंगी कि मेरे पास फ्रेश के तो वही चीज आई, पी ही लिया मैंने, इसका नंबर नाम नहीं दिया, पर यहाँ पर एरिया A2 लग गया, A2 प्रेशर पे, A2 एरिया पे सेम प्रेशर लगा, F2 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, F2 मेरे पास आ गया P into A2। प्रेशर मैंने पहले क्या निकाला था, ये इसके जब लिखते रहे A F1 upon A1 टाइम्स A2, ये मेरे पास F2 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए F2 अकेला है, F1 के साथ कितना कुछ जुड़ा हुआ है, इसका अपना एरिया भी जुड़ा हुआ है, लार्जर वाले सिलेंडर का भी एरिया जुड़ा हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ जो F2 मेरे पास आया है वो ज्यादा है F1 से, क्योंकि ये दोनों चीजें जब जुड़ी हुई हैं आपस में, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से वैल्यू आएगी वो F2 की आएगी, F1 की थोड़ी आएगी। सीधे से बात है, F2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना मेरे पास F1 से। ठीक है, और हमारे पास एरिया भी कौन सा बड़ा था, A2 का A1 से, ये तो हमें पता ही था, क्लियर ही है, देखने से ही पता चल रहा है। वैसे भी जब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे या जो हमने प्रेशर का फॉर्मूला लिया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी हमारे पास ये दोनों चीजें ज्यादा आएंगी। स्टिल इसके फोर्स ज्यादा होने के कारण, इसका एरिया ज्यादा होने के बावजूद भी प्रेशर हर जगह पे एक जैसा होगा। अगर मैं रेशो लूं A2 over A1, ठीक है, वो ला आ जाती है, हमेशा ला आ जाएगी। और जो बहुत ज्यादा हैवी लोड्स होंगे ना, बस ले सकते हो आप, ट्रक ले सकते हो, कार्स ले लो जितनी मर्जी, ठीक है, उनको छोटे से फोर्स अप्लाई करने पे ही, स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे ही हम इसको यहाँ पर लिफ्ट कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वर्क वगैरह इतना होता नहीं, कोई गेन ही नहीं होता वर्क में, बहुत स्मॉल अमाउंट में वर्क डन होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में फोर्स अप्लाई होती है, यहाँ पे दिख रही है आपको, बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में जब यहाँ पर आती है वो फोर्स की वैल्यू लार्ज हो जाती है, जो एरिया भी लार्ज हो जाता है, रेशो ही लार्ज होगी जब A2 over A1 की। ठीक है, तो जो पिस्टन है P1, ये यहाँ पर जो पिस्टन P1 है, ये P1 पिस्टन है, याद रखो P1 पिस्टन है, ये P2 पिस्टन है, ठीक है, प्रेशर नहीं है, ये पिस्टन है, पिस्टन, ये भी क्या है, पिस्टन। जो पिस्टन P1 है जब उसको मूव करते हैं थोड़ा ज्यादा, जब उसको ज्यादा डिस्टेंस से मूव करें, यानी कि इसको मूव करके मैंने यहाँ पे ला दिया, पहले वाले पे तो यहाँ पे किया था तभी ऊपर कूद गया था, अब मैंने क्या किया इसके ऊपर और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पर नीचे ज्यादा मूव कर दिया, तो उतना ही ज्यादा ये ऊपर जाएगा, उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ ये जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक, एक दो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक टॉपिक करेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। ओके, सो दैट्स अप फॉर टुडे।